हेलो अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सईद हसन अब्बास और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर फिज़िक्स। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कूलम्स लॉ। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर आपके पास 6 है, और कूलम्स लॉ में जो चीज़ें एक अभी तक हमने डिस्कस की हैं, कूलम्स लॉ में हमने एक तो उसका फार्मूला डिराइव किया था, और नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि उसकी डेफिनेशन एक स्टेटमेंट क्या होती है, और उसके बाद जो चीज़ हमने देखी थी कि कूलम्स लॉ में एक कांस्टेंट आता है के, और वो के किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था के जो है एक तो यूनिट्स पर डिपेंड करता है कि आप यूनिट्स कौन सी यूज़ कर रहे हो उस फार्मूले में, और दूसरी जो चीज़ थी वो थी कि चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या प्रेजेंट है, एयर है, वैक्यूम है या कोई और मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने के की यूनिट डिराइव की थी, और अब आज जो है अगर आपसे कोई के की डेफिनेशन पूछे कि के असल में है क्या चीज़, तो थोड़ा सा आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को डिफाइन करने से पहले मैंने यही कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा, और मैंने एक चीज़ अभी आपको एक चीज़ मैंने बता दी जो कि अभी हम लास्ट में डिराइव भी करेंगे कि इस के की वैल्यू, हमने कहा था के की वैल्यू जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है, हर मीडियम के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब आपके पास कोई भी मीडियम हो, आपके पास यहाँ पे वाटर हो उसके लिए के की वैल्यू डिफरेंट होगी, वैक्यूम हो उसके लिए के की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हर मीडियम के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होती है। अभी आपको मैंने एक मीडियम के लिए के की वैल्यू बता दी, और वो मैंने बता दी फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। ठीक है, अब वैसे फ्री स्पेस या वैक्यूम मैंने स्लैश डाल के लिखा है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम चीज़ें हैं, लेकिन फ्री स्पेस और वैक्यूम में एक माइनर सा फ़र्क है। फ्री स्पेस का मतलब होता है कहीं पे अगर कुछ भी चीज़ प्रेजेंट ना हो। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ प्रेजेंट ना हो उसको फ्री स्पेस बोलते हैं। लेकिन वैक्यूम की जो आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन है, वैक्यूम की डेफिनेशन ऐसी नहीं है। वैक्यूम में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आप इस तरह समझने के लिए कह सकते हो कि 1 in million। ठीक है, या PPM कह सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन, जो बहुत छोटी यूनिट्स हैं। तो वैक्यूम में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, इसलिए हम फ्री स्पेस और वैक्यूम को तकरीबन इक्वल कह सकते हैं। तो फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁻⁹ और साथ में इसकी यूनिट ये। अब इसके आते हैं डेफिनेशन पे, के की डेफिनेशन पे। के की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन की है वो आपके पास यहाँ पे यूनिटरी डेफिनेशन है। अब यूनिटरी डेफिनेशन क्या होती है? यूनिटरी डेफिनेशन किसी चीज़ की डेफिनेशन बनाने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें आप सारी चीज़ों को आप यूनिट पुट करते हो, यूनिट मतलब 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से मैंने के की डेफिनेशन निकालनी है। के की डेफिनेशन में किस तरह निकालूंगा? मैं फोर्स को K के इक्वल लेकर आऊँगा, और फोर्स K के इक्वल कब आएगा? जब Q1 की वैल्यू भी 1 हो, मतलब 1 कूलम, Q2 की वैल्यू भी 1 कूलम हो, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस भी क्या हो, 1 मीटर। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? K के बराबर। तो इसी से मैंने डेफिनेशन बनाई, और ये मैंने डेफिनेशन ये बनाई कि K असल में वो अमाउंट ऑफ फोर्स बताता है जब दो चार्जेस के दरमियान, जब आपके पास दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो और दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर हो, तो उन दो चार्जेस के दरमियान जितनी फोर्स एग्जर्ट करेगी वो असल में ये के है। ठीक है, तो लास्ट में यही डेफिनेशन है कि ये असल में आपको यहाँ पे फोर्स, आपके पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ फोर्स आपको बताएगा बिटवीन टू चार्जेस, और जो हमने जो मीडियम लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है? वैक्यूम, फ्री स्पेस इन वैक्यूम, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज 1 कूलम एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 1 मीटर। इस तरह की डेफिनेशन को कहते हैं यूनिटरी डेफिनेशन। ठीक है, तो आपसे वैसे भी पूछ सकता है कि एफ इज इक्वल टू के कब होता है? जब ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये 1 1 हो। ठीक है, तो इस तरह आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कूलम्स लॉ में ही, आपके पास यहाँ पे लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ आपकी बुक में डिस्कस नहीं है, ना ये पुरानी बुक में आपके पास डिस्कस था, लेकिन ये फेडरल बोर्ड में एक सप्लीमेंट्री के पेपर में एक दफ़ा आया हुआ है कि कूलम्स लॉ के जो है आप लिमिटेशंस लिखें। ठीक है, अब लिमिटेशन मतलब कहाँ कहाँ पे हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, बेशक चार्जेस हो लेकिन नहीं लगा सकते। उसमें सबसे पहला जो है, हमने चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जब चार्जेस रेस्ट में हो, तो सबसे पहला भी पॉइंट यही है कि कूलम्स लॉ जो है वो तब होल्ड करता है जब चार्जेस क्या हों, आपके पास यहाँ पे स्टैटिक हो, और स्टैटिक से मतलब जब चार्जेस किस में हो, रेस्ट में हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि चार्जेस मस्ट बी स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर का मतलब है कि चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, अब एक दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट में हो, मतलब एक रिलेटिव मोशन जो है वो जीरो हो उनके बीच में। सेकंड पॉइंट ये है कि चार्जेस कौन से होने चाहिए? चार्जेस होने चाहिए पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पॉइंट चार्जेस और पॉइंट चार्ज।
ठीक है। और एक और मैंने प्रॉपर्टी लिखी कि चार्जेस एक ओवरलैप नहीं करने चाहिए। अब ओवरलैप नहीं करने का मतलब है कि चार्जेस के दरमियान कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि चार्जेस जो है वो एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल हो। स्फेरिकल बोलते हैं कि कोई चीज़ गोल सी हो 3D में, और सिमेट्रिकल मतलब जो भी शेप हो चार्जेस की वो सिमेट्रिकल हो, जिस तरह सर्कल है एक सिमेट्रिकल शेप है। तो ये लास्ट पॉइंट है। अब आते हैं ये जो हमने सेकेंड पॉइंट में वर्ड यूज़ किया है पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? अब पॉइंट चार्जेस क्या हैं? पॉइंट चार्जेस हम ऐसे चार्जेस को बोलते हैं जिनका साइज उनके डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत स्मॉल हो, ठीक है। हम चार्जेस के साइज़ के बारे में तो कह रहे हैं, लेकिन उसको हम कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस से। मतलब अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो उस डिस्टेंस के मुकाबले में अगर उनका हम साइज़ देखें ना, तो वो हमें इतना स्मॉल लगे कि उसको तकरीबन जीरो अज्यूम कर लें। तो ऐसे चार्जेस को बोलते हैं पॉइंट चार्जेस, या आपकी बुक में जो नाम यूज़ किया हुआ है वो ये नाम है आपके यहाँ पे लोकलाइज चार्जेस। तो ये डेफिनेशन है कि चार्जेस हुज साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए कि ये पॉइंट चार्जेस हैं या नहीं। एक मैंने चार्ज ये बनाया, एक छोटा सा मैंने डॉट बनाया, और एक चार्ज मैंने ये बनाया। चार्जेस को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे Q1 Q2 लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए ये चार्जेस हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। समझ लो इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है 100 आपके पास सेंटीमीटर, और समझ लो इन चार्जेस का जो साइज़ है वो तकरीबन 0.1 सेंटीमीटर। तो इनके साइज़ के मुकाबले में अगर आप डिस्टेंस देखो तो बहुत ज़्यादा है ना। तो आप इन चार्जेस को Q1 Q2 को पॉइंट चार्जेस अज्यूम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं इस तरह के चार्जेस बनाऊँ, तो ये पॉइंट चार्जेस हो गए। लेकिन अगर मैं इस तरह के चार्जेस बनाऊं, इनको आप पॉइंट चार्जेस कह सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज़ है वो भी बड़ा है, और डिस्टेंस के मुकाबले में अब डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि आप ही कह दो कि इनका साइज़ ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट चार्जेस, ये चार्जेस जो है पॉइंट चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट माइंड में ये चीज़ आती है कि क्या ये पॉइंट चार्जेस बिहेव कर सकते हैं? बिहेव कर सकते हैं। उसका आंसर ये है कि अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर दो। अभी इनके दरमियान डिस्टेंस इतना है, अगर आप इस चार्ज को उठा के कहीं दूर ले जाओ, इतना दूर ले जाओ कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाए कि साइज़ छोटा लगने लगे, तब ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस बिहेव करेंगे। तो कोई से भी दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस बिहेव कर सकते हैं अगर डिस्टेंस को आप बहुत ज़्यादा कर दो। उस तरह के चार्जेस को कहते हैं पॉइंट चार्जेस। तो कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स से कन्फ्यूज़ होते हैं, पॉइंट चार्जेस में और पॉइंट चार्ज में क्या फ़र्क है। पॉइंट चार्ज किसी एक चार्ज के बारे में होता है, और पॉइंट चार्जेस कोई किसी दो चार्जेस के बारे में, जो कि हमने भी पढ़ा। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज नाम से ही पता चल रहा है, इतना छोटा एक चार्ज जिसका साइज़ इतना स्मॉल हो कि उसको हम तकरीबन एक पॉइंट कह दें। अगर आप एक देखो, थोड़ा सा आपको आइडिया हो इस चीज़ का कि एक लाइन जो आप बनाते हो, लाइन स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाओ वो वन डायमेंशनल होती है, ठीक है। टू डायमेंशन में क्या आता है? प्लेन। जिस तरह ये वाइट बोर्ड है, इसके पास दो डायमेंशन हैं, ठीक है, इसके पास एक्स और वाई एक्सिस है। इसी तरह थ्री डायमेंशन में आता है स्पेस, ठीक है। एक पॉइंट जो है ना वो डायमेंशन लेस एंटिटी है, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। हम जो पॉइंट बनाते हैं ना वो तो इतना बड़ा पॉइंट बनाते हैं, कुछ ना कुछ डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो प्रॉपर मैथ्स में जो पॉइंट की डेफिनेशन है वो है डायमेंशन लेस। कोई उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो नाम में ही पॉइंट आ रहे, तो वही हमने सबसे पहले कहा, एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी आपके पास यहाँ पे एंटिटी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो, लेकिन उसकी डायमेंशंस क्या हों? एक नेग्लिजिबल, बहुत छोटी डायमेंशंस हों, और इतनी छोटी डायमेंशंस हों कि उसको हम एक पॉइंट कंसीडर कर सकें। जिस तरह उसको हम पॉइंट कंसीडर कर सकें, तो वो कोई चीज़ स्फीयर ना हो। अब देखो, स्फीयर जो है वो तो बड़ी चीज़ होती है, तो वो फिर पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्जेस में डिफरेंस है। पॉइंट चार्ज एक चार्ज होता है, और पॉइंट चार्जेस दो चार्जेस के लिए। अब इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और जो आपने समझने है, जिस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना है, वो है कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। अब इसी टॉपिक में अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो या तो कहते हैं बुक में गलत है, या कुछ टीचर्स इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते। तो बुक में भी डायग्राम में छोटी सी मिस्टेक्स हैं, तो वो मैं आपको इधर, आप अगर आप इस डायग्राम को बुक से कंपेयर भी करोगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। अब
कूलम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में, अब हमें पता है कि जो आपके पास कूलम्स लॉ में जो फोर्स आती है, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा था या कूलम्स फोर्स कहा था, हमने कहा था कि फोर्स हमने पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। अभी तक जो हम फार्मूला पढ़ रहे थे ना, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर, उस फार्मूले से सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है, फोर्स की डायरेक्शन नहीं आती। तो हम इस टॉपिक में फोर्स की डायरेक्शन भी पढ़ेंगे साथ में और मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे। अब ये टॉपिक जो है मैं आपको दो तरह के चार्जेस के लिए कराऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर लाइक चार्जेस। अब लाइक चार्जेस क्या होते हैं? जिनका साइन सेम हो, तो या तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो गए या दोनों नेगेटिव चार्जेस हो गए। उसको मैं ना कुछ जगहों पे इस तरह लिखूंगा, तो कहीं पे भी अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है? लाइक चार्जेस। अब देखो क्या मतलब कि Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करो, आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो और आंसर पॉजिटिव आए। ये कब पॉसिबल है? जब या तो दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हो, है ना, या फिर दोनों क्वांटिटीज आपके पास नेगेटिव हो, तब उनका जो आंसर आता है वो ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस। तो या तो ये जो मैंने नीचे डायग्राम बनाई, इसमें दो चार्जेस बनाए, एक चार्ज को नाम दे दिया Q1, एक डायग्राम को नाम दे दिया Q2। अब या तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना, या ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। दोनों केसेस में जो होगा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। अब जरा इस डायग्राम पे फोकस करें। सबसे पहले मैंने चार्ज को Q1, Q2 और इनके जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया R। अब देखो दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। हमें पता है अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब दोनों एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इसको दूर करने की कोशिश करेगा, और ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और ये इसको दूर करने की कोशिश करेगा, और दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? देखो ये चार्ज ने इस चार्ज से दूर होना है ना, रिपेल होना है, तो ये चार्ज इससे इस तरह दूर जाएगा, ठीक है, और इस चार्ज ने इस चार्ज से दूर होना है तो ये इस तरह दूर जाएगा, ठीक है। अब इन फोर्सेस के मैंने नाम दे दिए, इसको F12, इसको F21। अब F12 और F21 का मतलब क्या है वो भी आगे देखो। सबसे पहले है फोर्स F12। अब इसकी जो इसका जो मीनिंग है ना वो इसके नाम में छुपा हुआ है। सबसे पहले देखो इसके नाम में आ रहा है वन। जो पहली चीज लिखी होगी ना उसका मतलब होगा उस चार्ज पे फोर्स लग रही है, ऑन विच फोर्स एक्ट्स। तो जिस चार्ज पे फोर्स एक लग रही होगी उसको पहले लिखेंगे वन। अब टू क्यों लिखा? टू का मतलब है ड्यू टू विच फोर्स एक्सर्ट्स। तो जिस चार्ज पे फोर्स एक लग रही होगी उसको पहले लिखेंगे, और जो चार्ज उस पे फोर्स लगा रहा होगा उसको बाद में, ठीक है। तो F12 का क्या मतलब है कि वो फोर्स जो कि चार्ज वन पे लग रही है, और कौन चार्ज लगा रहा है? टू। तो ये इसकी इसकी आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि इट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसी तरह F21 की क्या डेफिनेशन होगी, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी? वो फोर्स जो कि चार्ज टू पे लग रही हो, और कौन लगा रहा हो? चार्ज वन। तो इट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब इस चीज़ को आप जरा डायग्राम में देख लो, ये चार्ज Q1 था हमारे पास, ठीक है। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी वो कौन सी होगी? F12, क्योंकि ये फोर्स चार्ज वन पे लग रही है, और कौन लगा रहा है? ये चार्ज Q2, तो इसको F12 नाम दे दिया। और ये कौन सी फोर्स है? अब देखो ये चार्ज टू पे लग रही है ना, तो इस फोर्स को नाम दे दिया F21, क्योंकि ये फोर्स है जो कि चार्ज टू पे लग रही है, और कौन लगा रहा है? वन वाला। तो ये चीज़। अब मैंने ये कहा कि कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अब कूलम्स लॉ को वेक्टर में फॉर्म में पढ़ने का मतलब है हमें कोई ना कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि डायरेक्शन बताए। और सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्शंस बताने के लिए जो हम जिन वेक्टर्स की हेल्प लेते हैं वो आपके पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना, और उनका नाम ही यूनिट वेक्टर्स है। तो यूनिट वेक्टर्स का मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो वन होता है। इस तरह के वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो इधर कूलम्स लॉ में भी डायरेक्शन बताने के लिए हमने जो हेल्प ली, हमने हेल्प ली यूनिट वेक्टर्स की। तो एक यूनिट वेक्टर मैंने नाम दिया R12,
और दूसरा विग्नेट वेक्टर मैंने नाम दिया R21। अब ज़रा इस चीज़ को समझो, R12 क्या है और R21 क्या है। अब इस चीज़ को आपने ना इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं करना, फोर्स के मामले में ये 12 और 21 कुछ और बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे R12 क्या बता रहा है, ये R12 कह रहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहा है। देखो, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर विच पॉइंट्स फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक है, अब ये चीज़ अभी आपको इतनी क्लियर नहीं होगी, इस चीज़ को ज़रा देखो डायग्राम में। अब देखो, मैंने कहा R12 एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिस जो कि 1 से 2 की तरफ अब इशारा कर रहा हो। अब ज़रा देखो यहाँ पे, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो मैंने कहा ऐसा वेक्टर जो कि 1 से 2 की तरफ इशारा कर रहा हो, तो वो ये रहा R12। ठीक है, तो R12 देखो किस तरफ इशारा कर रहा है, 2 की तरफ इशारा कर रहा है ना, 1 से 2 की तरफ, तो इसको नाम देंगे R12। ठीक है, एक दूसरा यूनिट वेक्टर है R21, तो R21 क्या होगा, ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि 2 से 1 की तरफ इशारा कर रहा हो, तो उसको R21। ठीक है, तो R21 जो है वो 1 की तरफ इशारा कर रहा होगा और R12 2 की तरफ, और दोनों जो देखो यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है ना। अच्छा, तो यही मैंने इनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि R12 जो है वो 1 से 2 की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और R21 जो है वो 2 से 1 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। अब इसमें एक लास्ट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैंने फोर्स को लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो सबसे पहले मैंने फोर्स को फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया। वेक्टर साइन ये बता रहा है कि ये फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में, ये साइन वेक्टर फॉर्म में बता रहा है। अब सबसे पहले लिखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी भी देखो वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले उसका मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, तो ये चीज़ तो बता रहा है मैग्नीट्यूड। अब ज़रा इस चीज़ को आप ज़रा डायग्राम पे आओ, अब ये फोर्स थी मेरे पास F12। ठीक है, अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, बाहर की तरफ है, कौन सा यूनिट वेक्टर इनमें से ऐसा है जो कि इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। अब देखो F12 जो है वो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, आप वीडियो को पॉज करो और ख़ुद सोचो कि इसी फोर्स की डायरेक्शन में इन दोनों में से कौन सा यूनिट वेक्टर पॉइंट आउट कर रहा है। तो देखो, इस F12 की डायरेक्शन में R12 पॉइंट आउट कर रहा है, नहीं, क्योंकि R12 की तो डायरेक्शन ऑपोजिट है उससे। इस F12 की डायरेक्शन में R21 पॉइंट आउट कर रहा है, आपको कहिए यस सर, क्योंकि R12 की डायरेक्शन भी उस तरह है और R21 की डायरेक्शन भी उस तरह है, तो मैं इस F12 के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर यूज़ करूँगा। इस F12 के साथ मैं जो यूनिट वेक्टर यूज़ करूँगा वो मैं R21 यूज़ करूँगा, क्योंकि R21 उसी डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि F12 पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने इस फोर्स के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर लिखा, R21, तो ये असल में यूनिट वेक्टर है जो कि हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। उसके बाद आओ फोर्स F21 पे। अब देखो, फोर्स F12 की डायरेक्शन इस तरह है। अब दोबारा देखो, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स में से कौन सा यूनिट वेक्टर ऐसा है जो कि इसी फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। तो देखो, R21 तो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस F21 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर पॉइंट आउट कर रहा है वो R12 है, क्योंकि R12 की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट कर रहा है और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स पॉइंट आउट कर रही है, दोनों सेम है। तो F21 के साथ जो मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा वो मैं लिखूंगा R12। चीज क्लियर है? तो F12 के साथ यूनिट वेक्टर R21 और F21 के साथ यूनिट वेक्टर R12। अब कुछ टीचर्स जो इसको कहते हैं कि ये गलत है, 12 के साथ 12 और 21 के साथ 21, तो ये गलत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रा जो एक आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है वो ज़रा डिफरेंट है। अब आपके लिए एक काम है, घर के लिए आपने खुद ये प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको एक केस कराया है व्हेन R1 Q1 इज Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब मैंने आपको केस कराया है लाइक चार्जेस के लिए। आप खुद प्रैक्टिस करो फॉर अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मतलब आप कोई एक चार्ज पॉजिटिव ले लो और कोई एक चार्ज नेगेटिव ले लो और ख़ुद उसके लिए केस सॉल्व करो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी आपको इसको सॉल्व कराऊंगा और आप चेक किएगा कि आपके आंसर जो हैं वो उससे मैच करते हैं या नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी मैंशन किएगा। ठीक है, थैंक यू।